जितनी भी जो जेबीके के लोग हैं ये मंत्रित हो चुके हैं, अपने मन को बदल चुके हैं ये लोग। किसी भी जेबीके के मुंह से ये सुनने को कभी नहीं मिलेगा कि उसकी पार्टी कभी भी संविधान के आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कुर्मियों का आंदोलन बन के रह जाएगा आने वाले समय में, और किसी विशेष समुदाय की आंदोलन को झारखंड में पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा कभी नहीं दिया जा सकता, कभी नहीं दिया जा सकता। दोस्तों आज मैं आपको जयराम महतो के बारे में मैं आपके सामने एक बड़ा सा खुलासा करने जा रहा हूँ। मैं क्या खुलासा करने वाला हूँ आप हमारे वीडियो शुरू से आप देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप सामने ये लग रहा है या फिर कईयों के मन में ये लग रहा है कि आप जयराम का बातें को लेकर के विश्राम भूल रहा है या फिर डर रहा है या फिर बात करने में ये पीछे हट रहा है, ऐसा कई सारे लोग मानते हैं। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में बहुत बड़ा मैं खुलासा करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती है, पॉलिटिकल की दायरे में पॉलिटिकल के आधार पर राजनीति के आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती है ये जेबीकेसेस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और ये वीडियो सुन करके ये वीडियो जान करके उसके चाहने वाले लोगों के मन में झटका लगेगी, उसके पैर तले जमीन खिसक सकती है, और ये वीडियो आपको अच्छी तरह से देखनी चाहिए। और आज हम आपके सामने में बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं दोस्तों, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और यार आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पेज को भी ऊपर में जो फॉलो का बटन आ रहा है उसमें क्लिक करके ऑल सेटिंग में जाइएगा, उसमें नीचे आएगा, जैसे ही आप फॉलो का बटन में अगर आप क्लिक करते हैं उसके नीचे सेटिंग का ऑप्शन आता है, उसमें ऑल पर आप क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। ऐसा करने से सबसे पहले जब भी वीडियो जो हम डालेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ये फ्री में, इसमें कोई किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति मान्यता प्राप्त नहीं होगी, संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती है, और ये बातें जितने भी जो जयराम महतो के चाहने वाले लोगों को ये शायद पता नहीं होगा या फिर मालूम भी होगा तो ये बातें किसी के मुंह से किसी के कहने पर कोई किसी अन्य लोगों से ये बातें आप सबके साथ शेयर नहीं कर रहा है। और आज हम आपको यही जानकारी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जयराम महतो की जो पार्टी संवैधानिक आधार पर पॉलिटिकली आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती है। हाँ, चुनाव लड़ने के लिए जिला परिषद का चुनाव लड़ सकता है, मुखिया का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन भाषा संघर्ष समिति पॉलिटिकल के आधार पर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकता है। क्यों नहीं लड़ सकता है ये जानकारी आपको मिलेगी, और सबसे पहले उसकी विस्तार आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने अपनी वाकई करीब से देखा ही है, जिस तरीका से बोकारो धनबाद में भाषा संघर्ष समिति नाम से शुरू करके भाषा को लेकर के जब आंदोलन शुरू करती है, और ये जब उसकी आकर्षित झारखंड के ताई कुछ लोगों को जब उसकी तरफ जब आकर्षित हो जाते हैं, खासतौर आकर्षित होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि उस समय में कुर्मी आदिवासी बनने के लिए लालायित हो रहे थे, जब भाषा संघर्ष समिति जब इसका फायदा उठा करके लोगों को इस तरह से जब आकर्षित करने लगी, और जब उसके बाद जब खतियानी भूटान को लेकर के खतियानी आंदोलन में जब कन्वर्ट हो चुकी थी, उसके बाद झारखंड की राजनीति में छात्र नेता खुद को कहने वाले जयराम महतो खुद को नेता के रूप में परिवर्तित हो चुके थे, तब तक उसके बाद फिर बलियापुर हवाई पट्टी कहे जाने वाली मैदान में एक बड़ा महाधिवेशन का जब बुलावा बुलाता है तो उसमें आह्वान करता है कि हम झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति को हम राजनीति पार्टी में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाद में जब इसकी समर्थन वहाँ के लोगों के सामने में जब तालियों से जब गुड़गुड़ाहट करने लगते हैं, तालियों से जब स्वागत करने लगते हैं, तो कई सारे लोगों को यही लगा, कई सारे लोगों का मानना यही है कि ये आप पॉलिटिकल पार्टी की ओर अग्रसर कर रहे हैं, पॉलिटिकल की ओर आप बढ़ रहे हैं। लेकिन बात यह है, यहाँ तक तो सही था, संवैधानिक मान्यता प्राप्त क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आप सब यदि जानते हैं या फिर आप सब ये बातें समझ रहे होंगे या फिर आप सब जानते होंगे कि जिस हिसाब से जिस तरीका से जो झारखंड भाषा संघर्ष समिति की जो रूपरेखा को इन्होंने तैयार तो किया ही होगा कि पॉलिटिकल पार्टी की जब आधार कोई बनाता है तो उससे पहले अपने पॉलिटिकल की सारी रूपरेखा की एक संविधान बुक तैयार करने की आवश्यकता होती है, और इसे कहाँ भेजा जाता है, भारतीय इलेक्शन विभाग कमीशन में दिल्ली भेजने की आवश्यकता है, और दिल्ली में जब सारा कुछ का इसका रिव्यू किया जाता है, रिव्यू करने के बाद सब कुछ देखा जाता है कि किन किन पर्पस से इस तरह की संगठन इस तरह की पार्टी बनाई गई है, ये सारी चीजों का जब रिव्यू किया जाता है तत्पश्चात पाया जाता है कि किसी भी पशु पक्षी के नाम पर जो पार्टियों की
पॉलिटिकल पार्टियों की लोगो लगाई नहीं जानी चाहिए। तत्पश्चात ये पॉलिटिकल पार्टी, ये जीबीकेएसएस पार्टी, झारखंड भाषा संघर्ष समिति का जो पार्टी खारिज किया जा सकता है, अर्थात इसका पूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है जयराम महतो। यही सबसे बड़ी कारण है, और इसीलिए मैंने आप सबने पिछले कई दिनों से मैंने आप सबने आपके सामने यही कहा था कि जयराम महतो कानून की जानकारी नहीं है। मैंने उसी समय में मैंने आप सबसे कहा था दोस्तों के पास अगर संविधान है तो हमारे पास इतिहास है, क्योंकि इतिहास के बिना संविधान की पन्ना लिखा नहीं जाता है। और ये बातें सुनकर के आप सबको भी थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन ये बात सत्य है, क्योंकि ये लोग कन्वर्टेड लोग हैं। किससे कन्वर्टेड लोग हैं? किससे? इन लोग जितने भी जेबीकेएसएस के लोग हैं ये मंत्रित हो चुके हैं, अपनी मन को बदल चुके हैं। ये लोग किन लोगों से बदल चुके हैं? झारखंड के जितने भी जो पार्टी चल रही है, झारखंड की जो पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, इन लोगों से मंत्रित हो चुके हैं। और ये कन्वर्टेड लोग हैं, ये लोग कन्वर्टेड लोग हैं। और जितने भी जो भी अगर लोग, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये सीएम बन पाएंगे, झारखंड का चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले संवैधानिक आधार से उसके पार्टी को रजिस्टर्ड करना होता है, रजिस्टर्ड करना होगा, लेकिन ये रजिस्टर्ड कर ही नहीं पाएंगे। जितने भी भारतीय इलेक्शन कमीशन विभाग में, इलेक्शन डिपार्टमेंट पर ये रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकता है। नहीं तो यकीन मानो, नहीं तो आने वाले 2024 में वो कहता है अभी भी इसी बातों पर अड़ा हुआ है कि हम लोकसभा में भी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में भी हम चुनाव लड़ेंगे, हर जगह में हम अपना परचम लड़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उसकी ढाघोसला है, और यही सबसे बड़े कारण। ये जानकर के आप सबको थोड़ा अचंभित लगेगा, ये जानकर के आपके पाँव जमीन तले खिसक सकती है, क्योंकि ये बातें उसके मुँह से या फिर किसी भी जेबीकेएसएस के मुँह से ये सुनने को कभी नहीं मिलेगा कि उसकी पार्टी कभी भी संविधान की आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कुर्मियों का आंदोलन बन के रह जाएगा आने वाले समय में। और किसी विशेष समुदाय की आंदोलन को झारखंड में पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा कभी नहीं दिया जा सकता, कभी नहीं दिया जा सकता। और सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी अगर इसी आधार पर या फिर जेबीकेएसएस की जो भी जिस तरीका से जो उसकी पहचान के आधार पर अगर पॉलिटिकल पार्टी को दर्जा दिया जाता है, तो आने वाले समय में इस शेर का सवार लेकर के आएगा, अर्थात बेजुबान जानवर को बेजुबान जानवर की सवारी करके परेड करवाएगा, और इसी आधार पर भारतीय संविधान उसे खारिज कर सकती है जेबीकेएसएस को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ झारखंड का जो भाषा संघर्ष समिति, जयराम महतो का पार्टी संविधान आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती है, मतलब नहीं कर सकती है, क्योंकि हम दमके के चोट पर कहते हैं। और इस वक्त हम ब्रह्मदयाल मुंडा पार्क में हम बैठ करके ये आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो ये वीडियो अपने लोगों में शेयर कीजिए, और उन लोगों तक जन जन तक पहुँचाइए कि आप जयराम महतो की पार्टी में जाना चाहते हैं। और जाने से पहले उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उसके पार्टी मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती है, ना विधानसभा से चुनाव लड़ सकती है, ना लोकसभा से चुनाव लड़ सकती है, बल्कि हाँ मुखिया जनप्रतिनिधि, पंचायत का जनप्रतिनिधि, मुखिया या फिर आपका जिला परिषद चुनाव लड़ सकता है, बल्कि लोकसभा MLA MP के आधार पर चुनाव कभी नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसकी पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उससे पहले ही उनसे खारिज किया जा चुका होगा। तब तक तो ये छोटे से जानकारी आपको कैसे लगी? ऐसा ही तमाम छोटे बड़े जानकारी के साथ मैं आप सबको रूबरू करूंगा। यदि हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।